हाउ टू कवर एंड्रोवाइज फार्माकोलॉजी इन शॉर्ट टाइम, ठीक है, या 7 डेज़ में आपने फार्माकोलॉजी जो है वो उसको किस तरह से कवर करना है, PDS सेकेंड ईयर जो है उसके बारे में मैं आज आपको गाइड करूँगी। और आज आपको बताऊँगी कि आपने कौन से चैप्टर्स जो हैं वो आपके इंपॉर्टेंट हैं, और कौन से चैप्टर्स में से कितने कितने SEQs MCQs आएंगे, ठीक है, और बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं वो मिनी केट्स है, ठीक है। सो लेट स्टार्ट। और वीडियो पे जो चैनल पे सॉरी न्यू है वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको भी लाइक कर दीजिएगा। सो लेट स्टार्ट कि आपने किस तरह से अपना कवर करना है सिलेबस, ठीक है, फार्माकोलॉजी का, या फिर अपनी रिवीजन जो है अपने प्रोफ से पहले स्टैंड अप से पहले किस तरह से करनी है, ठीक है। और इसमें आज आपको मैं बताऊँगी, पहले जो आपका लाइक 7 डेज़ हैं अगर आपके पास, ठीक है, तो पहले दिन आपने क्या करना है, अपने फर्स्ट डे पे ठीक है आपने फर्स्ट डे पे क्या करना है, डे वन पे आपने जनरल फार्माकोलॉजी करनी है, प्लस आपने एंसर्स करने हैं, प्लस आपने GIT करना है, ठीक है। ये 3 चैप्टर आपने एक दिन में करने हैं। अब आप कंफ्यूज होंगे कि आप एक दिन में ये 3 चैप्टर्स जो है उनको किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, तो आपने किस तरह से करना है, आपको जैसे पता है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास टेबल्स आ जाते हैं फार्माकोलॉजी में, एंड देन हमारे पास जो उसके MCQs हैं चैप्टर के लास्ट पे वो आपने करने होते हैं, और टेबल्स और डेफिनेशन याद करनी होती हैं, ठीक है, इस तरह से आपने इसको प्रिपेयर करना होता है। और जनरल फार्माकोलॉजी देखें, अगर इसकी मैं आपको साथ साथ गाइडलाइन थोड़ी सी दूँ, तो इसमें जो इंट्रोडक्शन है इसमें अपने हाई यील्ड टर्म्स याद करनी है, इसमें रूट ऑफ एब्जॉर्प्शन वाला टेबल आ जाता है वो आपने लिपनकॉट से कर लेना है, और यहाँ से एक दफ़ा बस पढ़ लेना है। उसके बाद देन आपके पास ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक आ जाता है वो आपने कर लेना है, फार्माकोडायनेमिक्स फार्माकोकाइनेटिक्स, इनमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, इसकी जो हाई यील्ड टर्म्स हैं और समरी टेबल्स लास्ट पे दिए हुए हैं वो आपने कर लेने हैं, और इसकी जनरल फार्माकोलॉजी की जो गाइडलाइंस हैं वो भी यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, मैं बेल आइकन पर भी दे दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके तो है वो देख सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो के बाद आप इसकी मार्किंग जो है वो देख सकते हैं, ठीक है, इसमें एंटागोनिज्म जो है ये सारा इंपॉर्टेंट है, एंटागोनिस्ट इसकी टाइप्स वगैरह इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ग्रेडिएंट पोटेंशियल वगैरह इंपॉर्टेंट है, तो मेन चीज़ें अगर आपने याद करनी है सिर्फ, ठीक है, और इसमें से आपने वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, सारी जो आपको मेन चीज़ें हैं टेबल्स हैं ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट चैप्टर जो आपका वो एंसर्स का रहता है, एंसर्स आपने किस तरह से करने हैं, एंसर्स में आपके पास एक ही चैप्टर है, ठीक है, उसके आपने उसका आपने टेबल याद करना है और उसका चैप्टर जो है उसको सारे को प्रिपेयर करना है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इन चैप्टर्स की कुछ चैप्टर्स हैं वो अपलोडेड नहीं है, मतलब सारी मार्किंग उनकी चैप्टर वाइज अपलोडेड नहीं है, अगर आपको जो है वो चाहिए वीडियोज़ तो देन आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं जरूर अपलोड कर दूँगी, ठीक है। और उसके बाद GIT का भी सिर्फ एक टेबल है वो आपने प्रिपेयर करना है, ठीक है, तो मतलब कि आपका एक दिन में इजीली 4 से 5 घंटों में ये 3 चैप्टर जो है वो हो जाते हैं अगर आप कंसंट्रेशन से पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद देन डे टू आ जाता है हमारे पास, डे टू में हमारे पास आपने जो चैप्टर्स करने हैं उनमें, ठीक है, उसमें आपके पास जो है हमारे पास रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन प्लस CVS प्लस ENS, ठीक है, इनकी ये 3 चैप्टर्स आपने करने हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, माइनर चैप्टर्स हैं, इनकी वेटेज जो है वो कम है, ठीक है। जनरल फार्माकोलॉजी, एंसर्स एंड GIT, इन तीनों में से एक एक SEQ आना, ठीक है, जो हमारे पास CVS है, ठीक है, रेस्पिरेशन और GIT इन दोनों को मिला के एक चैप्टर का एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, CVS और ब्लड में से एक क्वेश्चन आता है और ENS का अलग एक क्वेश्चन आता है, यानी कि अगर आप ये चैप्टर्स करते हैं तो आपके एकदम 3-4 क्वेश्चंस जो हैं वो हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने किस क्या करना है, और ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ज़्यादा मोस्टली इनमें से जो है वो टेबल्स में से ही आता है, तो आपने इसके टेबल्स जो है वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन का भी टेबल पास्ट पेपर करने हैं, CVS के भी टेबल और पास्ट पेपर्स करने हैं, और ENS जो है उसमें उसकी भी सारी मार्किंग अवेलेबल है, आपने वो करनी है। ज़्यादा इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनमें हमारे पास ये 9 और 10 चैप्टर जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी सब में सिर्फ टेबल्स और समरी टेबल्स और जो अंदर चैप्टर के अंदर जो टेबल हैं यानी कि इफेक्ट्स आ जाते हैं, ENS पे क्या इफेक्ट है, GIT पे क्या इफेक्ट है, इन सब चीज़ों का, ब्लॉकर्स का, तो वो वाले 2-3 टेबल हैं वो आपने करने हैं। फर्स्ट चैप्टर में भी तकरीबन 2 टेबल हैं, ठीक है, इसकी भी मार्किंग जो है वो अवेलेबल है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, ठीक है, इस वीडियो के बाद तो आप जो है वो मार्क कर लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद इसमें से सिर्फ आपने ये ENS जो है वो आपकी इसकी इस पर ज़्यादा लिख होनी चाहिए आपकी, ठीक है, तो ये आपने देख लेना। उसके बाद CVS जो है इसमें आपने जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं वो हाइपरटेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना, ये जो 2 चैप्टर हैं इनको आपने एक दफ़ा बुक से चाहे रीड कर लेना है, चाहे आप सिर्फ टेबल कर लें, ठीक है, और बाकी के लिए पास्ट पेपर्स भी इनफ है, ठीक है, तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद देन हमारे पास रेस्पिरेशन आ जाता है, रेस्पिरेशन में सिर्फ आपने ये वाला एक चैप्टर करना है, ड्रग्स यूज इन अस्थमा, ठीक है, तो इसके भी सिर्फ आपने टेबल याद करना है, छोटा सा टेबल है वो टेबल याद कर लेना है एंड पास्ट पेपर्स देख लेना है, यानी कि एक घंटा अगर आप देंगे तो ये हो जाएगा, और ENS को आप 2 घंटे देंगे तो आपकी ये भी एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, और पहले भी आपने पढ़ा होगा, आप उसकी रिवीजन ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है डे थ्री में आपने जो करना है चैप्टर्स उसमें हमारे पास आप कीमो कर सकते हैं या CNS कर सकते हैं, ठीक है, आप पहले जो है वो कीमो ही करें, ठीक है,
आपने कीमो करनी है। कीमो में आपके पास आ जाता है, पहले ये यहाँ से आपको बताती हूँ, ठीक है। कीमो में जो चैप्टर्स हैं, ये पहले जो चार चैप्टर हैं ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। 43, 44, 45 एंड 46, ये जो चार चैप्टर हैं ये अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। इसमें से आपको दो एसईक्यू आएंगे, ठीक है। इन चैप्टर में से एक आएगा और इन दोनों चैप्टर में से एक आएगा, यानी कि चार दो एसईक्यू आपको इसमें से आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक एसईक्यू जो है इसमें से वो आपका ये जो अगले चैप्टर है, एक एंटी कैंसर वाला आ जाता है, एक एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, एंटी फंगल ड्रग्स, ठीक है। इनमें से इन सबको मिला के एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो पहले चार चैप्टर हैं इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, इनकी जो रीडिंग है इनके चैप्टर के अंदर से जो थ्योरी है उसको भी एक दफ़ा रीड कर लेना है, इनके टेबल्स अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। और जो बाकी एंटीबैक्टीरिया एंटीफंगल वगैरह है इनका सिर्फ आपने टेबल याद कर लेना है, ठीक है, और पास्ट पेपर्स कर लेने हैं, ठीक है। अगर आपकी कीमो एक दिन में नहीं होती तो आपने वैसे एक दिन में हो जाएगी अगर नहीं भी होती, तो आपने इसके पहले जो यहाँ तक एंटी फंगल तक चैप्टर हैं या पहले चार चैप्टर जो है वो अच्छे तरीके से करने हैं, ठीक है। पहले चार चैप्टर आपने जो है वो अच्छे से करने हैं, 43, 44, 45 एंड 46, ठीक है। और उसके बाद आपने साथ इसमें एंटी कैंसर वाला चैप्टर कर लेना है, उसमें सिर्फ जो है छोटा सा चैप्टर टेबल बना हुआ है, ठीक है, वो वाला टेबल बस आपने करना है, बाकी आपको करने की जरूरत नहीं है। और पास्ट पेपर्स आपने कर लेने हैं। उसके बाद डे फोर वाले दिन जो है आपने जो एंटीफंगल एंटीवायरल वाला चैप्टर रह गया 47, 48, 49, ठीक है, 47, 48 प्लस 49, ठीक है, ये जो तीन चैप्टर रह गए हैं ये आपने करने हैं, ठीक है। और इसके साथ आपने जो है डेंटल फार्माकोलॉजी कर लेनी है। डेंटल फार्माकोलॉजी जो है वो आपकी सिर्फ पास्ट पेपर से भी हो जाती है, अगर पहले आपने किसी स्लाइड्स वगैरह से की है तो वहाँ से भी आप एक दफ़ा गो थ्रू कर सकते हैं, लेकिन ये पास्ट पेपर से भी हो जाती है, ठीक है। तो इसके इन तीनों के सिर्फ आपने टेबल्स करने हैं और डेंटल फार्माकोलॉजी जो है उसके पास्ट पेपर्स करने हैं, ठीक है। तो एक दिन में आपका ये हो जाएगा। उसके बाद डे फाइव में आपने CNS करना है, ठीक है। CNS आ जाता है आपके पास, CNS के भी जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं वो आपने करने हैं, ठीक है। उनमें हमारे पास जैसे कि आ जाते हैं ये वाले चैप्टर्स, सिडेटिव्स वाला, ठीक है, जनरल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया, ठीक है, और ओपियोइड्स, ठीक है। इनमें से एक ही एसईक्यू आना है, तो ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। इनमें से आपके 5 एसईक्यूज जो है वो हो जाएंगे, एक सिडेटिव में से, एक जनरल एनेस्थीसिया, एक लोकल एनेस्थीसिया में से, ठीक है, और एक जो ओपियोइड्स वाला चैप्टर है इसमें से एक एसईक्यू आता है, ठीक है। और बाकी जो स्केलेटल मसल, एंटीसाइकोटिक, एंटीडिप्रेसेंट, एंटीसाइज, इन सबको मिला के इनमें से किसी भी चैप्टर में से कोई एक एसईक्यू आ सकता है, ठीक है। तो इन सबको आपने सिर्फ टेबल्स कर लेने हैं, और बाकी जो 5 चैप्टर मैंने आपको पहले बताए हैं उनको आपने एक दफ़ा बुक से भी गो थ्रू कर लेना, ठीक है। 5 और 6 डे में आप 2 दिन देखिए भी CNS कर सकते हैं, अगर आप एक दिन कर सकते हैं तो एक दिन में भी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे आप 5 प्लस 6 डे में भी उसको कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका 5 डे में कंप्लीट हो जाता है, 6 डे पे आपने रिवीजन करनी है, ठीक है, 6 डे पे रिवीजन कर लें, या 6 डे में भी आप CNS को ले जाए ताकि अच्छे तरीके से आपका प्रिपेयर हो जाए, ठीक है। और उसके बाद आपने 7 डे पे सिर्फ पास्ट पेपर्स करने हैं, ठीक है। तो आपकी इस तरह से जो है वो कवर हो जाएगी पूरी फार्माकोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी, ठीक है। या कोई आपका रिमेनिंग चैप्टर रह गया तो वो आप 6 डे पे कर सकते हैं, 7 डे पे पास्ट पेपर्स कर सकते हैं। इनके भी आपने साथ साथ अगर पास्ट पेपर कर लेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा ही सही रहेगा, यानी कि आप पास्ट पेपर की बुक खोलेंगे, ठीक है, पास्ट पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं उनको बुक के ऊपर मार्क कर लें, क्योंकि ज़्यादातर बुक में ही सारे लिखे हुए हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन हैं जो बुक पे मतलब डायरेक्ट नहीं लिखे हुए, तो वो आप पास्ट पेपर से भी कर सकते हैं, ठीक है। सो पास्ट पेपर आप खोल के रखें, साथ बुक में मार्क करते जाएं, तो आपके पास्ट पेपर्स भी हो जाएंगे और साथ में आपकी बुक जो है वो भी हो जाएगी, और लास्ट डे पे आपको इतना जो है वो सारे पास्ट पेपर्स इकट्ठे नहीं पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। और लास्ट 2 दिन आप रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो अपना सिलेबस जो है उसको कवर करना है शॉर्ट टाइम में। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।